तो फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसका आप लोगों को और हम लोगों को भी बेसब्री से इंतज़ार था। आप लोग हमेशा कमेंट में पूछते थे कि आप लोग कैसे मिले, हमेशा DM करते रहते थे। इस वीडियो को बनाने के लिए ना मैंने 1 साल का इंतज़ार करा, ठीक है। सोनिया ने तो पहले ही बोला था कि हम बना लेते हैं वीडियो, प्री वेडिंग शूट में ये वाली वीडियो बना के डालते हैं। बट मैंने बोला था कि जब शादी हो जाएगी ना हम जब ये वीडियो शूट करेंगे। तो ये वीडियो होने वाली है हम 2 साल पहले कैसे मिले और हमने शादी करी। 2 साल से ज़्यादा हो गए हमें मिले हुए, बट आपको बढ़िया से पूरी स्टोरी बताएंगे ताकि आपको भी फील आए, ठीक है। फील आना चाहिए स्टोरी सुनते हुए, ये कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो पहले मैं ना अपनी साइड की स्टोरी बताता हूँ कि मिलने से पहले क्या चल रहा था, फिर सोनिया बताएगी, ठीक है। तो मेरा ये रूटीन था 2.5 साल पहले, मैं उठता था, वर्कआउट करता था, अच्छी डाइट लेता था और सो जाता था। सेम रूटीन मंडे टू सैटरडे, बट सैटरडे नाइट को हमेशा, मतलब हमेशा, आप लोग देखते होंगे कि हम क्लब में जाते हैं, तो मैं उसी क्लब में जाया करता था 2.5 साल पहले हर सैटरडे को। और ये बहुत की पॉइंट है, आगे पता चलेगा ये क्यों इतना बड़ा की पॉइंट है, ये सैटरडे क्लब में जाना, ठीक है। तो मैं क्लब जाता था अराउंड 1 AM और सुबह 6 बजे के आसपास घर आता था। मंडे टू सैटरडे सेम रूटीन, संडे को रेस्ट लेना और सैटरडे को पार्टी करना, मेरा ये रूटीन था। तुम बताओ। मेरा भी सेम रूटीन था, मैं सुबह जिम जाती थी और फिर मेरी क्लासेस होती थी, तो अपनी क्लासेस जाती थी, फिर वापस आती थी, पढ़ाई करती थी और सो जाती थी। तो मैं सुबह 5 बजे के आसपास उठती थी, ये भी की पॉइंट है। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 5 बजे जिम खत्म करके ऐसे सुबह, ऐसा मेरा रूटीन था। जिस टाइम मैं सैटरडे को क्लब से आया करता था ना, उस टाइम तो सोनिया उठ के जिम जाया करती थी। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट यहाँ से हुआ, मैं दिल्ली आई थी। देखो लोगों को ये भी लगता है कि ना मैं दिल्ली तुम्हारे वजह से आई हूँ। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं दिल्ली इनके वजह से आई हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं दिल्ली रुकी इनके वजह से हूँ। आई थी मैं अपनी स्टडी के पर्पज से, और फिर जब मेरी क्लासेस चल रही थी मेरा कुछ एग्ज़ाम डिले हो गया था, तो मैंने सोचा अब एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो हॉलीडे पर जाया जाए। हॉलीडे पे जाना था, बॉडी ठीक थी बट और अच्छी चाहिए थी, लाइक एब्स की लाइन वगैरह। ऐसा मुझे थोड़ा सा ऑब्सेशन हो गया था अपनी बॉडी से कि मुझे बाहर जाना है, बीच पे बीच वाली बॉडी होनी चाहिए, फ़ोटोशूट कराऊंगी अपना। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो इनके पास से ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर चुकी थी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि इनको कॉन्टैक्ट करो और ये अच्छी से ट्रांसफॉर्म करा देंगे कम टाइम में। तो मैंने देखा इनका इंस्टाग्राम खोल के, फिर मैंने इंस्टाग्राम खोला तो हाइलाइट्स पे गई, तो अच्छी मुझे लगी प्रोफाइल। तो फिर मैंने पहला मैसेज किया, हेलो सर। तुम्हारे भाई ने दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया हुआ था और वो देखकर सोनिया ने मेरे को मैसेज किया, क्या किया? हेलो सर। तो मैंने बोला हेलो, और जब सोनिया का मैसेज आया ना मेरे पास हेलो सर, मैंने जब प्रोफाइल देखी ना, सोनिया की प्रोफाइल प्राइवेट थी और नाम था फिट गर्ल, तो मेरे को लगा यार फेक प्रोफाइल है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट बात करी जैसे मैं क्लाइंट से करता हूँ कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे, बट एक्चुअल में सोनिया ने आगे प्रोसेस कराया। और जब मेरे को यकीन हुआ ये हाँ एक्चुअल में एक लड़की बात कर रही है, कोई फेक प्रोफाइल मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने सोनिया से व्हाट्सएप पे डिटेल्स ली सारी, ठीक है। डिटेल्स मांग के मैं सो गया, बॉडी की कि कैसी बॉडी चाहिए, क्या गोल्स है। तो सोनिया ने मेरे को बताया मेरे को ऐसे बीच बॉडी चाहिए, मेरे को जाना है, कहाँ जाना था? थाईलैंड, अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो थाईलैंड जाना था, ठीक है। तो मेरे को बीच बॉडी चाहिए, मेरे को जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। फिर मैंने पूछा कि अच्छा क्या क्या सीन है, तो सोनिया ने बताया। मैंने कई लोगों से पहले भी बात करी थी, वो मेरे को कुछ बताते, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, तो मेरे को सही नहीं लगा, दैट्स व्हाई सोनिया मेरे पास आई, ठीक है। फिर सुबह हुई, मैंने सोनिया की पूरी डिटेल्स पढ़ी और उसके बाद मैंने प्रोफाइल चेक करी। व्हाट्सएप पे आती है ना प्रोफाइल, जो भी इंसान से हम बात करते हैं। भेजी हुई थी ना तुमने, फोटो मांगी थी मुझसे। हाँ, प्रोफाइल भी तुमने लगाई हुई थी। अच्छा, हाँ प्रोफाइल भी लगाई थी। जब सोनिया ने मेरे को, हाँ तुमने फोटो भेजी थी, जब सोनिया ने मेरे को फोटो भेजी और मैंने वो लोड मार के जब वो खुली ना फोटो, आई वाज लाइक ब्रो। मैंने ना सोनिया को कॉल किया रिगार्डिंग बात करने के लिए कि अच्छा ठीक है मैंने डिटेल्स ले लिया है। बात करते करते मैंने सोनिया को पहला वर्ड, हाँ मैंने यही बोला कि तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, ठीक है।
तो मुझे लगा यार ठीक है, कभी ये ना सोचे कि भाई एकदम ऐसे हॉट वॉट बोल रहा है। तो मैंने नॉर्मल बोल दिया कि तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, बट सोनिया बोली फिर भी मेरे को बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है। उसके बाद वही ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, ऑन ऑफ बात होती थी बॉडी के रिगार्डिंग। जब मुझे कुछ पूछना होता था तो मैं फ़ोन कर लेती थी, और बट जब मेरे को फ़ोन करना होता था ना तब सोनिया कभी कॉल नहीं उठाती थी, बहुत रेयर कॉल उठाती थी, ठीक है। बट ठीक है, मैं समझ गया था कि कोई बात नहीं, मतलब मेरे को भी कभी कभी होता था ना पूछ लूँ कॉल करके, बट सोनिया कॉल नहीं उठाती थी उस टाइम पे। उसके बाद सोनिया को पूरी स्टोरी याद है, एक एक चीज़ मेरे को थोड़ी थोड़ी हाईलाइट याद है। हाँ। फिर मेरे को जब याद आएगा जब सब कुछ स्टार्ट हो गया था, फिर मेरा ना एग्ज़ाम आ गया था या मेरा कुछ कंप्यूटर नंबर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, मेडिकल स्टार्ट हो गया था मेरा, फिर मेरा थाईलैंड जाना कैंसिल हो गया था। तो फिर तुमने मुझे फ़ोन किया था कि इन्होंने मुझे फ़ोन किया था बोलने के लिए कि अगर फ्री हो तो डिनर पे चले। पहला क्वेश्चन था तुम्हारा डिनर। हाँ, मैंने पहले पे ये पूछा ना कि तुम दिल्ली रहते हो, तो सोनिया ने बताया कि हाँ मैं दिल्ली आई हुई हूँ। तो मैंने सोनिया से पूछा कि क्या हम डिनर चल सकते हैं, मैंने परमिशन ली। तो सोनिया ने उस टाइम कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मेरे को लगा ठीक है भाई अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर तुम एक दिन पार्टी गए हुए थे, सैटरडे था और मैं जिम के लिए उठी थी। हाँ, तो तुम्हारा कॉल आया था सुबह सुबह, क्योंकि तुम्हें पता था ना मेरा जिम टाइमिंग। नहीं बोल, यहाँ थोड़ा सा मैं बताता हूँ, मैं क्लब में घुसने वाला था उस टाइम रात को, तुम्हारा कॉल आया था कुछ पूछने के लिए, किसी भी काम के लिए लेट नाइट कॉल आया था, मैं क्लब में घुसने वाला था, ठीक है। तो तुमने पूछा कहाँ पर हो, मैंने बोला मैं क्लब में आया हूँ, तो बोले ठीक है। तो मैंने तुमसे पूछ लिया था कि हम सुबह मिल सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम तुम जिम जाओगे उस टाइम मैं निकलूँगा क्लब से, सैटरडे की बात थी। सोनिया ने बोला कि ठीक है मिल लेंगे, बट मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल पाऊंगी, ये बात तुमने मेरे को बताई नहीं। हाँ। मेरे को बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो मेरे को लगा ठीक है अभी मिल लेंगे और सुबह सुबह है ना बढ़िया सा मिल विल के मैं चला जाऊँगा। तो सुबह हुई, मैंने सोनिया को कॉल किए, फिर वही हमेशा की तरह नो रिस्पॉन्स। बट जब मैं नरेला के लिए निकल गया, बहुत दूर था क्लब, ठीक है, अभी भी जहाँ जाते हैं ना बहुत दूर है, तो वहाँ से मैं बीच में पहुँच गया था नरेला आते हुए, तो सोनिया का ना कॉल आता है बीच में, सोनिया बोलती है कि हम मिलने वाले थे। तो मैंने बोला यार मैं तो निकल गया, तो मैंने सोनिया से ना लोकेशन मंगाई व्हाट्सएप पे कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ लोकेशन है, कितना डिस्टेंस पड़ रहा है, ठीक है। सोनिया ने मेरे को लोकेशन भेजी। अब आप ये सोचोगे कि सुबह ही क्यों मिलना होता था, ठीक है। देखो मैं ऐसा था थोड़ा सा कि मैं लंच वंच और ये दिन में आपने हमेशा देखा होगा, सोनिया मेरे को हमेशा बोलती रहती है लंच पे चलो। मेरे को ये लंच वंच जाना दिन में निकलना ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमारा सिर्फ एक ही टाइम सूटेबल बैठ रहा था मिलने का, और वो था सुबह सैटरडे को जब मैं क्लब से आता था, ठीक है। सोनिया अपनी तरफ से पूरा ईगो में, मैं अपनी ईगो में बैठे हैं कि ठीक है ये टाइम है मिल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, दोनों की तरफ से यही था। फ्री तो मैं यार देखो दिन में हो सकता हूँ, बट मैं जाने का मन नहीं करता था, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं था ना, कुछ सोचा नहीं था, पहले ही सोच के नहीं बैठा था कि शादी करेंगे हम, ठीक है। तो मैं क्लब से आ रहा था, सोनिया ने मेरे को लोकेशन भेजी, लोकेशन मेरे को ये लगा लो 1 घंटा दूर दिखा रहा था। तो मैंने सोचा क्या करूं मैं, फिर सोचा यार इतने दिन से मैं पूछ रहा हूं सोनिया से, आज मिल ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं 1 घंटा ड्राइव करके गया, सोनिया जिम जा रही थी, सोनिया बैठी कार में और बोली बैठते ही 5 मिनट के लिए आई हूँ मैं, उसके बाद मैं जिम जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आई वाज लाइक यार मैं 1 घंटा चला के आया हूँ और तुम 5 मिनट के लिए मिल रहे हो। फिर हम कहाँ गए थे, 24/7 वही खुला रहता है भाई, सुबह 6 बजे तुम आ गए थे और मैं थोड़ा लेट निकल रही थी, बोल रहे थे मेकअप करके मत आना, मैं तुम्हें बोल रही थी लिप ग्लॉस लगाया, बाल बांधे, जिम जाना है मुझे। सोनिया को आप देखते हो हमेशा से, मतलब मेरे को लगा कि यार ऐसे स्किन ग्लो कर रही है और पूरा मेकअप, मैंने क्या मेकअप लगा के आ गए सुबह 6 बजे, तो बोले मैंने मेकअप नहीं लगाया, जस्ट ये लिप ग्लॉस लगा हुआ है और नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगा हुआ है, ठीक है भाई नेचुरल स्किन होगी ऐसी। तो ऐसे ही बातें करी, फिर मैं चला गया, 5 मिनट के बाद मैं चला गया और मैं फिर से नरेला की तरफ निकल गया, ठीक है। उसके बाद फिर तुमने डिनर के लिए 2-3 बार और बोला, मैं बोल देती थी हाँ ठीक है, बट मुझसे मना भी नहीं होता था। हाँ, और तुम एकदम मना भी नहीं कर पा रही थी मैं, बट हाँ भी नहीं बोल, और हाँ भी नहीं बोल पा, चलेंगे देखते हैं बताती हूँ। बट मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा था, क्योंकि मुझे ये पता था कि
अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि सामने वाला भी चाहता है कुछ या नहीं चाहता। बट सोनिया जिस तरीके से हैंडल करती थी सिचुएशन को, वो था कि मिलते हैं दोस्तों वोस्तों के साथ, ठीक है। मैंने बोला दोस्त वोस्तों के साथ ये नहीं, ये बाद में आएगा जब मैंने तुम्हें बोला कि फ्रेंड जोन था, तुमने बंद ही कर दिया। हाँ, ये वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक बार तुमने है ना, मैं क्लब जा रहा था सेम, ठीक है, तो मैंने है ना सोनिया को बोला कि क्लब चलते हैं या डिनर के लिए, जो भी बोला था, ठीक है, डिनर या क्लब चलते हैं। सोनिया ने बोला ठीक है आज चलते हैं। मैं रेडी कि आज तो जाएंगे भाई। और ऐसे करते करते ना एक डेढ़ महीना हो चुका था, ठीक है। मैं कभी पूछ लेता था, कभी हमारी नॉर्मल बात हो जाती थी, सोनिया कॉल आ जाता था रिगार्डिंग बॉडी, मैं कभी कभी पूछ लेता था कि ठीक है चल सकते हैं हम। तो एक दिन सोनिया ने बोल दिया कि चलते हैं, तुम्हारा भाई पूरा रेडी भाई, और चिकन विकन खा के यहाँ से निकला मैं, और पूरा बढ़िया वर्कआउट करके गया था हमेशा की तरह। और मैंने सोनिया कॉल किया, मैंने फोन ही नहीं उठाया। फिर उठाया, याद है, हेमा, हेमा, हाँ। अच्छा, हेमा ने बोल दिया कि उसकी तबीयत खराब होगी, वो नहीं आ सकती। और उसी टाइम पे मेरा और हेमा का प्लान बना, तुम उस दिन याद है रजौरी आ गए थे, और जहाँ पर ये आए थे वहीं पर मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हेमा ने इनको बोला कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मना करने नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने पहले हाँ बोल दिया था। हाँ। और सेम क्लब में, सेम रेस्टोरेंट था वो, मैं और हेमा डिनर करने मैं पहले रेस्टोरेंट में गया था अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद मैं क्लब में गया था, ऐसे रहता था। हाँ, और मैंने देखा तुम वॉशरूम से आ रहे थे और हमारी टेबल इस साइड थी, मैंने देखा ओ शिट, मैंने बोला हेमा तुमने अभी मना किया, कट ले जल्दी। मैंने तुरंत कैब बुक किया और हम लोग इतनी जल्दी निकले वहां से, उनके इससे पहले देख के बुरा लगे, ऐसे मुझे हो रहा था, तो मैं ऐसे नहीं लगे कि हाँ कि अभी बोला तबीयत खराब है, और अभी सेम रेस्टोरेंट में मिले हम वहीं पर सेम रेस्टोरेंट में, क्योंकि सोनिया का डिस्टेंस वहां से बहुत पास था और वो रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया था, ठीक है। रात को बढ़िया पार्टी करके उसके बाद मैं क्लब में जाता था। तो उसके बाद हमारा ऑन ऑफ रहा बात करना, ऑन ऑफ रहा। फिर एक बार जब तुम शादी में गए थे, हाँ, फिर मेरी फ्रेंड की बहन की शादी थी मेरठ में, तब मैं वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे सब बिजी थे, और मैंने सोचा कि मुझे फील हुआ कि मैं ना अच्छा नहीं कर रही हूँ, ऐसे बार बार बोल देती हूँ हाँ हाँ, और फिर लास्ट मोमेंट पे मना कर देती, तो मैंने रात को सामने से कॉल किया कि एज अ रिस्पॉन्स देख के कॉल किया कि यार देखो बंदा सामने से प्यार से पूछ रहा है, ऐसा भी नहीं कर रहा जबरदस्ती कर रहा हूँ बिल्कुल भी। अगर मैं बोलती हूँ बार बार कि मैं चल लूंगी, एक बार दो बार तीन बार, कितनी बार मैं मना कर सकती हूँ इस चीज को, यही लगा होगा, ठीक है। और मेरे को ये था ठीक है भाई ओके, अगर नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, बट हम बीच में ना दो तीन बार मिले सिर्फ 5 मिनट के लिए, इस पूरी 3-4 महीने के अंदर 5 मिनट के लिए मिले हम, ये बात है 2019 की, ठीक है, 2019 की बात चल रही है। उसके बाद तुम शादी में गए, फिर मैंने फोन किया रात को, फिर मैंने सॉरी भी बोला, मैंने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं तुम्हें बार बार बोल देती हूँ आ जाओ, और एक बार तो तुम हाफ वे तक, वही रजौरी जब तुम शायद गए थे उस दिन, हाफ वे तक ही अगर मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने फ़ोन करके बोला कि अगली बार मैं सामने से तुम्हें बोलूँगी कि हम चलते हैं ऐसे। बट यहाँ भी सस्पेंस है बहुत तगड़ा। क्या सस्पेंस? ये है कि जब तुम शादी से आए, हाँ, फिर और जब तुमने खुद बोला था कि ठीक है हम चलते हैं खुद से कॉल करके, और उसके बाद भी तुमने कॉल नहीं उठाए, और उसके बाद भी तुमने मैसेजेस पे एक रिप्लाई किया कि मैं बिजी हो गई हूँ, आई वाज लाइक अरे मैंने तो पूछा ही नहीं था, खुद पूछ रहे हो अब की बार तो तुम, और अभी ऐसे कर रहे हो, ठीक है। बीच में फिर मैं डायरेक्ट क्लब चला गया, ठीक है, सारा प्लान कैंसिल, हर चीज कैंसिल। उस टाइम है ना, ये लगा लो जब भी हमारी बात होती थी इट जस्ट ऐसे होती थी। उस टाइम के बाद, उस दिन के बाद से मैंने तुम्हें दो बार फोन किया था ये ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, एक बार प्रोटीन पूछने के लिए किया था, और मैं स्टोर पे खड़ी थी, मैं कहीं गई हुई थी बेसिकली, तो मैंने फोन किया कि मुझे ये कुछ सामान लेना था, मैं कौन सा लूँ, तुमने इतना रूड बात करके। हाँ, मैंने मतलब यार देखो थोड़ा सा तो अंदर रहता है ना गुस्सा, कि सोच के देखो सामने वाला तुम्हें खुद बुला रहा है, ठीक है, और बहुत बार ऐसे हो चुका है, हालांकि मैंने हमेशा पूछा है खुद से, बट एक बार सामने वाला बंदा तुम्हें खुद बोल रहा है, लग रहा है कि अब की बार ऐसा नहीं होगा, बट फिर से वही होता है। तो सोनिया का कॉल आता है मेरे पास, हेलो मेरे को ये प्रोटीन चाहिए, मैंने डायरेक्ट बताया ये प्रोटीन है ले लो,
काट दिया मेरे को। मेरे को इतना, मेरे को उस दिन फील हुआ कि तुम्हें हाँ सच में बुरा लगा, और फिर उस दिन के बाद बुरा नहीं लगेगा उस दिन के बाद से फिर मैंने कॉल ही नहीं किया तुम्हें, और तुमने भी नहीं किया, हमारी बात खत्म हो गई। मतलब सोनिया तो देख ही रहे हो ना कि कॉल ना उठाना, ये सारी चीजें पता ही चल रहा होगा कि ज्यादा बात ना करना, इग्नोर करना और बार बार मना करना, ठीक है बार बार मना करना कि हाँ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। बट मेरे अंदर ऐसा था कि मैं एक लेवल तक ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, और मैंने वो किया था। क्योंकि देखो यार मेरा क्या होता था, सुबह उठता जिम में जाता बढ़िया डाइट लेता और रात को सो जाता, ठीक है, कहीं ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ मैं क्लब में जाता था, क्लब में भाई मेरा बढ़िया नाचना होता था, बढ़िया मज़े लेके आता था। तो जैसा मेरा लाइफस्टाइल था ना, ऐसा मेरा किसी से मिलना नहीं होता था, सिर्फ सोनिया से मैंने बात करना स्टार्ट किया था। और एक्चुअल में मुझे बहुत अच्छा लगता था बात करके, कभी कभी बेशक बात होती थी बट बहुत अच्छा लगता था। और मिलने के बाद जब मैंने सोनिया को पहली बार देखा, हैप्पी वाइब्स बोलते थे, बहुत हैप्पी वाइब्स, मतलब वाइब्स होती है ना एक इंसान से आती है कि हाँ यार मुझे ट्राई करना चाहिए, बाद में ये ना हो कि ट्राई नहीं किया, ठीक है। तो वो मेरा लास्ट ट्राई था, ठीक है, जिस दिन सोनिया ने ऐसे करा ना मेरे साथ कि ठीक है आ जाओ हम मिलते हैं खुद से कॉल करके, और सोनिया ने मेरे को मना किया, वो मेरा लास्ट ट्राई था कि ठीक है अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मैंने अपनी तरफ से 100% दे दिया है, ठीक है 100 से भी ज़्यादा दे दिया है और पेशेंस लेवल मैंने फुल रखा है, अब मेरा यहीं तक था। सोनिया भी यार कैसे बात करे, क्योंकि उसको पता है इसने बहुत बार ऐसे किया है, ठीक है, तो हमारा बिल्कुल कट ऑफ हो गया। मतलब कट ऑफ मतलब सोनिया ने भी अपनी तरफ से कभी कभी बाई चांस एक दो बार कुछ पूछने के लिए कॉल कर लिया और मैंने भी वही नॉर्मल बता दिया। बट वो जो प्रोटीन वाला था ना उसके बाद एकदम कट ऑफ हो गया। ऑल दो मेरे को चाहिए था कि मैं तुमसे कॉल करके बोलूँ, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी कि मैं तुम्हें कॉल करके कुछ बोलूँ कि यार हाँ वापस से मिलते हैं। क्योंकि क्योंकि उस चीज़ में है ना, उस चीज़ में एक हमारा वो आ गया था ना, बॉन्डिंग आ गई थी कि हमने ये पीछे किया हुआ है, ठीक है मुझे पूछना है रिगार्डिंग माय बॉडी, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को चाहिए पूरी प्रॉपर। फिर सोनिया को लगा अब मैं कैसे पूछूं, मैंने पूछा ही नहीं, होता है ना वो किस मुंह से पूछूं मैं, किस मुंह से कॉल करूं। तो मैं फिर मुंबई चला गया, इवेंट था, और उसके बाद फिर तुम शायद मुंबई गए, मुंबई गया था ओलंपिया में, गेस्ट बुलाया था, पता वो मुझे बाद में जब तुमने, मतलब क्योंकि मैं यूट्यूब वगैरह इतना नहीं देखती थी ना, तो फिर बाद में तुमने मुझे बताया था, मुझे कॉल करना था बट मैं किस मुंह से कॉल करूँ इसलिए मैं कर ही नहीं पा रही थी। और उसी टाइम पे आई मेरी फ्रेंड अनु मुंबई से मुझसे मिलने के लिए, और वो थोड़ी उसको था कि ना दिल्ली आए तो थोड़ी पार्टी करते हैं, मैंने उसको लाइक ऑब्वियसली अपनी फ्रेंड से डिस्कस करके, नहीं रुको मैं बता रही हूँ, वहाँ रोक देना जो मेन पार्ट था। मैंने उसको बताया कि ऐसे तुम्हारे बारे में, तो मतलब लाइक वो भी बोली यार मेरे को नंबर दे मैं बात करती, मैं तेरी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। फिर मैंने कहा एक काम कर, नहीं तो पार्टी करनी है ना। सोनिया को ये पता था, अब याद करो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये जो सैटरडे क्लब वाला सीन है ना, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे रिलेशन का। सोनिया को पता था मैं हर सैटरडे को क्लब में जाता हूँ, ठीक है, और ये पता था मैं इतने बजे जाता हूँ। सोनिया ने बोला अगर पार्टी करनी है तो हम इस डे चलेंगे, हाँ। और इस ही क्लब में चलेंगे क्योंकि वहां पर मैं मिलूंगा। तो मैंने अपनी फ्रेंड लोगों के साथ में प्लान बनाया, उसको पार्टी करनी थी तो मुझे पता था ये कौन से क्लब में जाते हैं और क्या टाइमिंग है, तो मैंने उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ले गई। और मैं मन में सोच रही थी कि ना ऐसे ही जाएंगे लाइक नॉर्मल, ऐसे मिलेंगे जैसे पता ही ना हो, हम तो कैजुअली मिल गए हैं, मेरे को नहीं पता था तुम यही मिलोगे, ऐसे होने वाला था, मैंने यही सोचा था। बट उस दिन मैं अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, तो यहाँ से मैं निकला, वो था शादी का सीजन, तारीख थी 23 नवंबर रात को, अच्छा ठीक है 24 की तो सुबह होगी थी ना, तारीख थी 23 नवंबर 2019, मैं रात को निकला यहाँ से, वही 11 बजे के आसपास निकल गया था। बट यहाँ पर शादियाँ चलती है तो हाईवे पे है ना जाम होता है बहुत ज़्यादा, मतलब ये लगा लो 2-2 घंटे लग जाते हैं, और मेरे को चुल उठी पड़ी यार सैटरडे या क्लब जाना है, तो मैं 2 घंटे में ड्राइव करके क्लब पहुँचा, ठीक है। जैसे ही मैं क्लब के अंदर घुसा मेरे को टेक्स्ट आता है कहाँ पर हो, लाइक तुमने दूसरे फ़ोन से किया था वो, मेरे को लगा यार ये नंबर मैंने कहीं देखा है, क्योंकि सोनिया मेरे को कॉल किया करती थी उस नंबर से कभी कभी जब भी कुछ पूछना होता था, मेरे को लगा ये नंबर मैंने कहीं देखा हुआ है, याद नहीं आ रहा। क्लब के अंदर मैं घुस गया, म्यूजिक चल रहा है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ सोनिया ने कर दिया मेरे पास कॉल, कहाँ पर हो तुम।
मेरे को जब समझ में आया और जैसे ही सोनिया ने कॉल किया ना, सोनिया मेरे आगे थी। सोनिया सोचती आज मैंने दिखाई दिया कि मैं खुद से आई हूँ इस क्लब में, नहीं तो सोनिया मुझसे मिलना चाहती थी कैजुअली कि मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ आ गई हूँ और तुम यहाँ मिल गए, हेलो ठीक है, इस तरीके से सोनिया चाहती थी चीजें हो। बट उस दिन मैं बहुत लेट हो गया था, रात के 2 बज गए थे, पहुंचते पहुंचते शादी का जाम था। उस दिन सोनिया ने निकलने वाले थे तुम थोड़ी देर में कि तुम्हें लगा आज मैं नहीं आऊंगा, तो सोनिया ने कर दिया यार अब इतनी दूर आए हैं तो कर ही लेते हैं, इतना एफर्ट डाला है पहली बार मैंने तो कर ही लेते हैं। तो वहां पर मेरे को लगा था कि हाँ मेरा इतना एफर्ट डालने का शायद कुछ सामने वाला भी मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा है वो चीज़, ठीक है। फिर वही नॉर्मली बातें हुई और वही वाइब, देखो वाइब ज़रूरी है और मेरे को हमेशा से सोनिया के साथ बहुत अच्छी वाइब आती है, ठीक है। इवन हम रिलेशन में आए भी नहीं थे उससे पहले भी मेरे को बहुत अच्छी वाइब आती थी। सोनिया मेरे को ऐसे कभी कभी ट्रीट भी करती थी ना कि चलते हैं ना दिन में फ्रेंड्स वगैरह के साथ वहाँ मिल लेंगे, मैंने बोला दोस्त वोस्त के साथ नहीं मिलना मेरे को, ठीक है, नॉर्मल बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरीके का रहता था। लाइक वो होता ना क्या बोलते थे, फ्रेंड ज़ोन नहीं चाहिए ये, क्योंकि यार ऑब्वियसली वही सेम रूटीन और इतना एफर्ट डालना उसके बाद मेरे को ये सब नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मेरी तरफ से मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, अगर तुम्हें वो वाइब्स आ रही है जो मुझे भी आ रही है, वो चीज़ चाहिए मुझे। मुझे ये नहीं चाहिए कैजुअली मिल लिए हाय हेलो ये मेरे दोस्त है और हमने बैठ के मैं 10 लोगों से बात करूँ, नहीं मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, सिर्फ तुमसे बात करनी है। तो वहाँ पर हमारी बातें हुई क्लब में, ठीक है, और मैं मिला हेमा से और से अनु से, तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था और उस दिन इसको पता था कि मैं आई हुई हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर भी इसने मोस्टली मुझसे ही बात करी और सुबह हो गई थी ऐसे डांस भी हमने बहुत किया, मेरे फ्रेंड्स को तो पता ही था कि मैं क्यों आई हूँ, तो सुबह हो गई थी हमें ऐसे, तो सुबह हम निकलने लगे दोनों फ्रेंड, गाड़ी आज तक कभी नहीं चलाई होगी, हमें पहुंचने में 2 घंटे लगे थे, रास्ता होगा ऐसे ही 40 मिनट का, मैंने बिल्कुल स्लो चलाई, दोनों फ्रेंड पीछे सो रही थी, ठीक है, हेमा तो इसकी सिस्टर की तरह बिल्कुल, ठीक है, तो दोनों सो रही थी पीछे और मैंने बिल्कुल स्लो कार चलाई, बातें बातें की, स्लो बातें की ताकि ऑब्वियसली हमारे बीच में ही बातें रहे, ज़्यादा शोर ना हो ताकि वो उठ ना जाए, वो भाई पूरा सो रही थी, सुबह हो गई थी, इतनी जगने की आदत नहीं थी, ठीक है। तो जैसे ही हम पहुँचे और वो दोनों चली गई, सोनिया बोली मैं 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है तुम बताओ। तो जैसे ही हम पहुँचे, तो जैसे ही हम पहुँचे मेरी दोनों फ्रेंड चली गई घर पे, मैंने कहा 5 मिनट में आती हूँ, मैंने सोचा 5 मिनट थोड़ी बात कर लेती हूँ और तो जैसे ही वो लोग गए और तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और फिर तुमने मुझे बोला कि ये फ्रेंड जोन वाला सीन मुझे नहीं चाहिए, अगर फ्रेंड जोन करना है तो मुझसे मतलब नहीं हो पाएगा, मुझसे हो भी नहीं पाएगा और हम बात ना करें तो ही बेटर है, ठीक है। तो वो मोमेंट था जहाँ पर चीजें स्टार्ट हुई थी, हाँ, और उसका रीजन क्या था स्टार्ट होने? उसका रीजन ये था कि तुमने कभी मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया कि मिलो ही, मतलब तुम पूछते थे मुझे बट मैं एफर्ट्स डालते थे तुम, और तुम्हारे एफर्ट्स वो देख के ना फिर मैंने सोचा नहीं 5 मिनट के लिए मिलने आता था मैं ड्राइव कर कर, ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, हमारी बीच में बात भी ऐसे बंद हो गई थी, और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैंने बोला हाँ मिलते और मैं फोन नहीं उठाती थी, याद है एक बार तुम रिटर्न भी जा रहे थे और तुमने फिर गुस्से में मेरा फोन नहीं उठाया, बट तुम्हारे एफर्ट्स बहुत थे, तुम मुझे फोन कर, जब भी मैं फोन करती थी तो मेरा फोन उठा लेते थे, वैसे इग्नोर नहीं करते थे। ऑब्वियसली मैं फोन क्यों इग्नोर करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए कि बात आगे बढ़े, बट मैं उतना ही करता था जहाँ तक मेरे को लगता था कि मैं एफर्ट डाल सकता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं पीछे ही पड़ गया मिलना ही मिलना है मिलना है मिलना है, ऐसे कभी नहीं। तुम मुझे ड्रॉप करने आए थे ना, तो वो ऐसे इतना रियल, मतलब तुम इतने इमोशनल थे, वो इतना रियल लगा ना, दिल को टच कर गया, मेरे दिल को ऐसे हिला दिया, उस दिन मैंने सोचा नहीं चांस तो देना चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना कि मैं तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, जितना मुझसे अपनी तरफ से दिया जा सकता है उस वक्त तक, ठीक है, उस वक्त तक हम रिलेशनशिप में नहीं है, बट स्टिल एक रिलेशनशिप में आने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, मुझे तुमसे वाइब आती है, अगर तुम्हें भी वो वाइब आती है तो ठीक है, नहीं तो मुझे एटलीस्ट बता सकते हो, ठीक है, बट
उस दिन तो फिर मैंने सोचा नहीं चांस देना चाहिए। फिर उसके बाद हम पहली बार शॉपिंग पे गए थे, उसके आई थिंक नेक्स्ट डे या दो तीन दिन के बाद तुम उनसे मिलने आए थे, हम डिनर पे गए थे। फिर सारी चीज़ें सही रही, बट दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा ईगो है थी पहले थी, अब ठीक है। हमने ना फोटो तक नहीं खींची थी एक दूसरे के साथ। आई वाज लाइक मैं क्यों खींचूं? अब लगता है कि यार होनी चाहिए थी, पुरानी फोटो तो ऐसे डाल सकते ना। मेरे को ऐसा लगता था मैंने जितना एफर्ट डालना था मैंने अपनी तरफ से ना पूरा डाला है, अब तुम्हारी बारी है। और तुम्हें लगता था कि टाइम थोड़ा और, टाइम थोड़ा और। हमने फोटो तक नहीं खींची और ना एक दूसरे से पूछा भी इस बारे में फोटो कि फोटो निकाल ले, दोनों अपनी ईगो में, ठीक है कि हाँ। हमने पहली फोटो, फिर धीरे धीरे टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, और वो ऐसी चीज़ थी जो बहुत अलग थी। उसका रीज़न बताता हूँ। देखो मैं हूँ भाई जाट फैमिली से, ठीक है, और हमारे यहाँ पर है ना ऐसे नहीं होता कि ज़्यादा, मतलब होता नहीं कि रिलेशनशिप वगैरह ऐसे ओपन बता दो, ठीक है। ओपन तो ऑब्वियसली अगर मैं सोनिया से मिलने जा रहा हूँ, टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो घर वालों को तो पता ही होगा ना कि कुछ सीन चल रहा है। मैं जब भी निकलता था ना सोनिया से मिलने, तो मैं मतलब टाइम अच्छा स्पेंड करके आता था। मेरे को मम्मी इतना सुनाती थी उस टाइम, इतना सुनाती थी मम्मी, ठीक है, क्यों जा रहा है, कौन है, क्योंकि मैंने आज तक ये चीज़ की नहीं थी। मेरा यही रूटीन था, उठना, वर्कआउट करना, डाइट लेना, सो जाना और सैटरडे को क्लब में जाना। मम्मी इतने सालों से मेरी चीज़ नोटिस कर रही थी कि कभी मैंने रूटीन चेंज नहीं किया। उस टाइम ही क्यों मेरा रूटीन चेंज हुआ, कौन है ऐसा वो लड़की, कौन है। हम ना रात हम कितनी बात करते थे, जब हमने बात करनी स्टार्ट की तो मेरा तो रूटीन ऐसा था ना, मैं रात को जल्दी सो जाती थी और फिर सुबह जल्दी उठ जाती थी और मैं लेट सोता था। और फिर हमने जब बात करनी स्टार्ट की हम इतनी बातें करते थे फोन पे, सुबह तक 5-5 बजे तक फोन पे बात। मैंने रूटीन बिगाड़ दिया सारा, सारा रूटीन बिगाड़ दिया बात करके। कई बार तो सोनिया डायरेक्ट जिम गई थी सुबह, एक दो बार तो ऐसे भी हुआ। फिर वही मैंने सोनिया को बोला कि चलो मिलते हैं, क्लब में चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, वाइब्स सारी चीज़ें ऐसे चलती रही। बट मैं हमेशा जब भी घर से निकलता था ना, मम्मी मेरे को इतना सुनाती थी, इतना सुनाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर एक ऐसा टाइम आया मेरे को ऐसा लगा अपनी तरफ से कि ठीक है अब है ना, मेरे को छुपानी नहीं है ये चीज़, ठीक है। मुझे जितने दिन मेरे को एनालाइज करना था अपने आप को, तुमको, हमारे रिलेशन को, हमारी वाइब्स को, हमारी बनती है, हमारी कहाँ पर बहस होती है, कोई भी चीज़ हम, मतलब देखो मैंने ना एक चीज़ है ना, तुमने नोटिस करी चा? कि मैंने जैसे मैं मिला था वैसे ही हमेशा रहा हूँ। हाँ। ऐसे नहीं है कि मैं मिलके पहले मैं मिलके बहुत अच्छा दिखा रहा हूँ तुमको और बाद में मैं चेंज हो जाऊँ रिलेशनशिप में आने के बाद। मैं हूँ भाई, मैं हूँ जैसा हूँ, रियल हूँ, ठीक है। और सोनिया ने ज़्यादा मतलब इतनी बातें नहीं की थी, मुझे जानना था, जस्ट था ना यार कि अब मेरे को जानना है कि ठीक है बात तो होगी, वाइब्स तो है, रिलेशनशिप में तो आ गई, बट ये रिलेशनशिप चल कैसा रहा है। फिर हमने टाइम स्पेंड किया, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, फिर फोटो भी खींच ली होगी हमने। हाँ, फिर हमने बहुत सारी फोटोज खींची और सबसे फेवरेट मेरी फोटो हुई थी जो हम देख रोजेटे में, नहीं रोजेटे वाली नहीं, वो घर वाली थी ना। ये देखो अपनी पॉजिटिव चीज तो दिखाना सामने वाले को बहुत इजी है। पॉजिटिव चीज से क्या होता है, मेरे में ये अच्छा है, मेरे में ये अच्छा है। अपनी नेगेटिव चीज दिखा के जब सामने वाला है ना आपको एक्सेप्ट करता है ना, जब होता है एक प्योर रिलेशनशिप। तो मैं जैसा था ना मैं वैसा ही रहा, सोनिया जैसी थी वैसी रही, कभी अभी भी जैसी है ना वैसी ही सोनिया पहले थी, ठीक है। तो हम दोनों ने एक दूसरे की जब नेगेटिव चीजें देखी ना, फिर भी हमने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हर इंसान में होती है कमियां, ठीक है, बट वो कमियों को एक्सेप्ट करने के बाद फिर भी तुम साथ में रहते हो ना, जैसे हो वैसे ही रहते हो हमेशा, वो होता है प्योर रिलेशनशिप। देखो सोनिया का तो ऑब्वियसली इतना सोशल मीडिया का पता नहीं था कि क्या करना है कैसे करना है, वही नॉर्मल प्राइवेट प्रोफाइल हमेशा की तरह, फोटो क्रॉप करके डालनी, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरे को ये था कि जिस दिन मेरे को ऐसा लगेगा ना कि हाँ मैं रेडी हूँ, चाहे तुम आज शादी कर लो, चाहे तुम 1 साल बाद, चाहे तुम 2 साल बाद, पहले भी बोला था, ठीक है, चाहे तुम 3 साल बाद, मैं रेडी हूँ। ये पहली फोटो थी, ये थी हमारी पहली फोटो, ये हमारी भाई पहली फोटो। अरे मेरी फेवरेट है, मेरे स्क्रीन लॉक में थी बहुत टाइम तक।
तो मेरे को बहुत टाइम के बाद है ना ऐसा लगा कि ठीक है अब मैं रेडी हूँ, अगर तुम आज शादी करना चाहते हो मैं आज भी कर सकता हूँ, अगर तुम एक साल बाद करना चाहते हो मैं एक साल भी बाद भी कर सकता हूँ, और अगर तुम कभी भी करना चाहते हो ना मेरे को बस बता देना। और ये चीज़ मैंने तुम्हें हमेशा हाँ हमेशा से बोली, स्टार्ट डे वन से तुमने ये चीज़ बोली, जब तुम्हें फील हुआ जब हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था तभी तुमने ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग में बोल दी। फिर हमने डिसाइड करा कि है ना हम एक चैनल बनाते हैं साथ में, जिसको आप अभी देख रहे हो रोहित सोनिया व्लॉग्स, हम एक चैनल बनाते हैं और मैं अपने फिटनेस वाले चैनल पर बताऊंगा सबको कि ये रही मेरी गर्लफ्रेंड और हमने एक चैनल स्टार्ट किया है जहां पर हम अपना घूमना ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे और हमने एक चैनल बना लिया। और उसके बाद मैंने वीडियो डाली हमारी एक दूसरे के साथ और उस टाइम तुम सोच सकते हो मतलब घर वाले क्या सोचते होंगे, मैंने बताया भी नहीं था कि मैं वीडियो डालने वाला हूँ ऐसे, बट मेरे को यार देखो ऑब्वियसली फैमिली का डिसीजन बहुत बड़ा होता है, बट मेरे को भरोसा था अपने आप पर भी और सोनिया पर भी, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद हो गया था अंदर से कि ठीक है भाई बाद में जो होगा वो बाद की बात है, बट इतना टाइम स्पेंड करने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि ये वो इंसान है जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी अपनी बितानी है। ठीक है, जिस दिन मुझे ये लगा था हमने बात करी, थोड़ा टाइम लगाया चैनल बनाने में, फिर एक मोमेंट आया जहाँ पर हमने सोचा कि चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं और वहाँ पर वीडियो शूट करेंगे। सोनिया ना कैमरा के सामने आने से भी ऐसे होती थी, ऐसा नहीं कुछ दिक्कत है, इट जस्ट आदत नहीं है ना। अब मेरे को तो आदत है, मेरे को तो कितना ही ऐसे कैमरे वैमरे के साथ बिठा लो कितना पूरा दिन बुलवाए जाओ, ठीक है सोनिया को बिल्कुल आदत नहीं, बहुत शाई। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं थोड़ा सा ऐसे शाइनेस दूर करूँ और अलग सा फील ना हो। हमने थोड़ा थोड़ा ऐसे शूट किया, धीरे धीरे शूट करना स्टार्ट किया, फिर जो मेन पार्ट आता है हमारे रिलेशनशिप का वो आता है कोविड। ठीक है, हम दुबई घूमने गए थे, दुबई में जैसे ही हम पहुंचे दूसरे तीसरे दिन है ना आ गया कि कोविड आ चुका है। जब हम गए थे जब बात फैली थी कोविड आ रहा है ठीक है, होली पे फैलनी थी बात कोविड आ रहा है, हाँ तो हमने मतलब बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, वीडियोस बनाई एक दूसरे के साथ। ठीक है, बट वो एक ऐसा मोमेंट था जब हम घर पे आए ना तो लॉकडाउन लग चुका था। अब ऐसा तो है नहीं मैं घूम रहा हूँ मन चाहे दिन घूम रहा हूँ, या तो मैं यहाँ रह सकता हूँ या मैं कैसे भी करके सोनिया के पास जा सकता हूँ। तो मैंने है ना रात को ट्रक में बैठ के आते अरे ट्रक में नहीं था मैं रेगुलरली ना मिलता रहता था, बट कोविड की वजह से है ना हमें थोड़ा टाइम हो गया था कि हम मिल नहीं पा रहे थे। तो मेरा एक दोस्त है उसके ट्रक चलते हैं, ठीक है अरे ट्रक में नहीं आया मैं। तो हुआ क्या था, मैंने बोला कि भाई ये सीन है और मेरे को है ना ड्रॉप करना पड़ेगा, तो बोला कि मेरे पास है ना पास है मैं पूरी रात ड्राइव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ट्रक्स चलते हैं, मेरे को पास मिला हुआ है जिसकी एसेंशियल सर्विसेज होती है ना, तो वो घूम सकता है अपना वो पूरा दिखा के पर्चा दिखा के। तो वो दिखा के कैसे कैसे करके मैं पहुंचा सोनिया के पास और फिर बहुत टाइम तक कोविड चला, सोनिया मेरे लिए खाना बनाती, उस टाइम ये भी नहीं है कि हम कहीं जा सकते हैं, तो हर टाइम एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है ऐसा भी चाहिए ना घूमना फिरना एक ही ऐसे फ्लोर पे रहना, ठीक है एक ही फ्लोर पे रहना उठना सोना खाना पीना। मैंने तुम्हारी बर्थडे पे वो जो वो दिया था 10 Reasons Why I Love You दिखाना, वो भी मैंने रखे हुए दिखा देंगे हम मतलब अगले व्लॉग्स में दिखा देंगे कि सोनिया ने मेरे को पहली बार जो चीजें दी थी ना बर्थडे पे। और तुमको पता चीजें सब छोड़ो 10 Reasons Why मैं इतना रोई थी वो लिखते आई नो इतना इमोशनल था ना। तो मेरा बर्थडे आने वाला था 5 जुलाई को, तो वो हमारा साथ में सेलिब्रेट करने का पहला टाइम था, तो सोनिया ने मेरे को है ना गिफ्ट दिया, वॉच दी मेरी जो फेवरेट है आज तक, ठीक है परफ्यूम दिया और साथ में ना कुछ लिखा था बहुत सारा 10 Reasons परफ्यूम और वॉच साइड में रख के सिर्फ वो मेरे लिए बहुत मेन था 10 Reasons Why I Love You क्योंकि मैंने भी तो चीज़ें मैं भी अगर शादी का सोच रही थी तो बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की थी और मैं सोच रही थी यार इतना अच्छा वो मैं हो सकता है दिखा दूंगा कि अभी भी मेरे पास है ना वो वैसे ही रखा है जैसे होना चाहिए था, जैसे सोनिया ने मेरे को दिया था वो यहाँ से वहाँ भी नहीं हुआ है। ठीक है ये चीज़ तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये हमारी पर्सनल है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ठीक है बट दिखा दूंगा अगले व्लॉग्स में दिखा दूंगा। हमारा रिलेशन ऐसे ही आगे बढ़ा, फिर सोनिया ने मेरे को बोला कि शादी क्या सीन है, ठीक है तो मैंने बोला था जब बोलो,
मेरा एक ही रिस्पॉन्स होता था सोनिया को, और मुझे पक्का पता था, गारंटी पता था कि सोनिया है ना ऐसे समझती होगी मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को ना आगे नहीं बढ़ाना चाहता कि शादी की बात हमारी आगे बढ़े, हमारी चीज पे बहुत बहस हो, ठीक है। बट मैं यही चीज बोलता था जब भी सोनिया मेरे को बोलती थी ना शादी कब कर रहे हो, मैं ये बोलता था जब तुम बोलो, जब भी तुम बोलो। सोनिया सोचती थी तुम सोचते हो गए। हाँ तो तभी तो सितंबर में मैंने जब भी बोला नहीं अब भी बोलो। अब बात आती है शादी की, कि शादी से पहले आती घर की, तुमने अरे हाँ तो है ना मैंने एक प्लान बनाया कि सोनिया को ऑब्वियसली फैमिली से मिलवाना है। अब वो कैसे मिलवाऊँ, वो कौन सा दिन होगा, वो बेस्ट डे मेरे को लगा जिस दिन हमारे घर का उद्घाटन था, इसी घर का। तो उस दिन मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी देखो सोनिया आ रही है, और देखो घर वाले भाई मेरे बिल्कुल देखो सिंपल है, ठीक है, उनको ऐसे है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और रिलेशनशिप की है ना ये चीज़ें बोलनी नहीं आती, ठीक है, पता था उन्हें, ऑब्वियसली पूरी दुनिया को पता है, उनको तो सबसे पहले ही पता होगा। वो ये बोलते थे कि तेरी फ्रेंड भी आएगी क्या? मौसी तो हमारी शादी के टाइम पे भी फोन करके बोल रही थी तुम्हारी दोस्ती। हाँ देख मतलब हमारी शादी फिक्स हो गई है और मौसी बोल रही है तुम्हारी दोस्ती तो ठीक है बट अब तुम एक हस्बैंड वाइफ बनने वाले हो। मतलब ये था, ऐसा है घर पे, मतलब मैं भी हमेशा ना ऐसे रहता था, कभी ऐसे खुल के मैंने कभी नहीं बोला, इवन मम्मी से ना मेरी कभी इस चीज को लेकर बात भी नहीं हुई, इट जस्ट पता होता था, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ ठीक है, और घर वालों ने भी ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी। तो पहले ना तुमने मुझे बोल रखा था कि मम्मी थोड़ी ऐसे होता ना इस साइड में, अब देखो यार स्ट्रिक्ट होंगी शायद कुछ बोल दे, हमारी लैंग्वेज है ना थोड़ी ऐसी है देसी टाइप है, तो अगर कोई बाहर वाला सुनेगा ना उसे लग रहेगा कि हम एग्रेसिवली बात कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से अपनी लैंग्वेज में बात करूं, वैसे तो होती नहीं है मुझसे उन्हीं इंसान से होती है जो मतलब बिल्कुल ही फैमिली वाले हैं या मेरे दोस्त वोस्त हैं या जो अपनी ही मतलब देसी लोग हैं, ठीक है। अगर मैं वैसे ही आप लोगों से बात करूँ ना करके एक बार ट्राई करूँ थोड़ा बोल के देखता हूँ, क्योंकि तुम जब ऐसे एक बार अगर मतलब मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, मम्मी से बात कर रहा हूँ, किसी दोस्त से या किसी भी यहाँ किसी से भी बात कर रहा हूँ ना, तो मैं वैसे बात कर लूँगा बिल्कुल देसी। अगर मैं ऐसे बोलना चाहूँ ना मुश्किल से निकलती है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ कुछ निकालने की, यही चीज़ बोलता हूँ। अगर मैं थार तय कहना चाहूँ ना नहीं निकलेगी, नहीं नहीं निकलेगी, नहीं निकलती है ऐसे, मतलब उनसे ही निकलती है जिनसे मैं रेगुलरली बात करता हूँ। फिर तो फिर जब मैं घर पे आई, मम्मी इतनी ज़्यादा स्वीट थी, इतनी ज़्यादा स्वीट थी, वो इतना ध्यान रख रही थी मेरा। रीज़न ये था वो, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बहू तो यही बनेगी, रीज़न ये था यार। मतलब नहीं तो मुझे यही बोलती थी उसके बाद भी कि ना तुमने मुझे बोला था मम्मी ऐसे थोड़ा लाइक ऐसे होता है ना कि हाँ कि मैंने पहले बोल के रखा कि यार मम्मी कुछ बोल, क्योंकि यार देखो मुझे नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को मेरी और मम्मी की कभी ऐसी बात हुई नहीं जो हम खुल के बात करें अबाउट मेरे और सोनिया के बारे में, हमारे रिलेशनशिप के बारे में कभी बात नहीं हुई, बस पता था ठीक है यही थी, मतलब इसलिए मेरे को कभी ऐसे सोचा ही नहीं मैंने कि मम्मी रिस्पॉन्स कैसा करेगी, क्या पता मम्मी नॉर्मली बात करे जैसे सबसे करती है, फिर तुम्हें लगेगा मुझसे बहुत ज़्यादा ऐसे बात हो रही है, प्यार से बात नहीं हो रही। बट मम्मी ने वही घर के उद्घाटन पे सोनिया आई, डायरेक्ट अंदर आई ऊपर, और फिर बात बात हुई होगी। हाँ। मैंने अकेला छोड़ दिया था कि अभी मेरे को अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं अगर तुम्हें दिक्कत आ गई या मम्मी को दिक्कत आ गई मैं बीच में नहीं फंसना चाहता वहाँ पर, तुम खुद ही देखो। अभी मम्मी इतनी स्वीट थी ना, इतनी मतलब इतना ध्यान रख रही थी वो मेरा, जैसे तुम्हारे यहाँ पे जैसे बात करते लोग कई सारी औरतें आ गई, तो इतना ध्यान रख रही थी कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, अनकंफर्टेबल फील ना हो, क्योंकि यहाँ पर 100-150 लोग बैठे हैं यार, और सोनिया मतलब सबसे ऐसी लैंग्वेज सुन रही है बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज। तो वो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार ये तो मैं नहीं वेट कर रही, मेरे को और शादी के लिए है ना, देखो मेरा तो है ही ठीक है, सोनिया मुझसे प्यार करती है, मैं सोनिया से प्यार करता हूँ, बट फैमिली का भी होना अच्छा बहुत जरूरी है, क्योंकि रहना तो एट लास्ट हमको एक साथ है ना। अब बात आती है शादी की, कि शादी कैसे हुई, क्या प्रोसेस रहा। तो सोनिया ने देखो मेरे लिए इतना किया, कंपटीशन के टाइम खाना बनाया, हर चीज़ें की, अपना जिम छोड़ दिया, सारा फोकस मुझ पे दिया। तो मैंने सोच लिया था मैं सोनिया को प्रपोज करूँगा, क्योंकि तुमने इतना ज़्यादा मुझ पे सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया अपना, ताकि मेरे कंपटीशन के लिए अब मेरी बारी है। तो मैंने डिसाइड किया मैं सोनिया को प्रपोज करूँगा, फिर मैंने प्लान बनाया और फाइनली मैंने सोनिया को प्रपोज कर दिया। और डेट क्या थी?
देख लिया होगा सबने। डेट क्या थी वो? डेट ऐसे मत पूछो, ऐसे बात मत करो, तुम बताओ। 24 दिसंबर। अच्छा, तो फिर प्रपोज करने के बाद मैंने भाई घर वालों से बात करी, घर पे बात करी कि ऐसे ऐसे सीन है, तो ऑब्वियसली यार घर वाले ने बोल दिया कि तुम देख ही रहे ना इतने साल से, इट जस्ट अच्छा ही है अब शादी कर ले, ठीक है जल्दी शादी कर ले, घर वालों का तो यही था जल्दी शादी कर ले। तो शादी की बात हुई, फिर डेट निकलवाई, डेट निकली 5 फरवरी की, कार्ड छपवा दिए, कार्ड छपवाने के बाद भी सीन बन गया, कोविड आ गया, कोविड की वजह से दिक्कत ये हुई। फैब की भी थी हमारी डेट, बट हमारी तैयारियां नहीं हुई थी क्योंकि फैब, मतलब फरवरी में सीन ये था, कोविड था, ऑब्वियसली पता चले यार शादी कर रहे और लोग ही नहीं आ रहे, हमने फॉर्म बुक कर दिया, वो फॉर्म भी कैंसिल करना पड़ा, कार्ड भी छप के रखे गए। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट निकली उसमें मेरे को ये था डेट जल्दी निकलनी चाहिए, क्योंकि सोनिया ना इतने एग्रेशन से मेरे को बोलती थी कि अगर है ना मार्च से ज्यादा शादी बढ़ी ना तो मैं ना डायरेक्ट ठंड में शादी करूंगी, क्योंकि है ना मुझसे गर्मी में शादी नहीं करी जाएगी। मैं बोलता था कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूं, मैं तुमको समझाऊं, मैं मम्मी को समझाऊं, किस किस को समझाऊं मैं। फिर जो डेट निकली फाइनली शादी की वो निकली 4 मार्च की, फिर शादी हो गई और वीडियो भी देख ली होगी आप लोगों ने हमारी शादी की, अगर नहीं देखी हो तो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, जाके हमारी शादी की वीडियो देखो यार, जाके देखो। तो ये था बात करने से लेकर शादी तक का सफ़र। अभी मेरे को भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ अपने ओट्स खाने, तो सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल, 3 लाख सब्सक्राइबर्स करा दो, 1 सेकेंड लगेगी, लाल कलर का बटन मिलेगा आप लोगों को, उसको दबा देना ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें आप लोगों को पता चलता रहे, और अब हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे। डील डील। सोनिया और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टिल द नॉट पीस गेम्स।